हाय दोस्तों, आज फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ईसीयू के बारे में कि पल्सर 150 से लेकर पल्सर 220, एवेंजर 160, एनएसआरएस, डोमिनार बाइक को छोड़कर पल्सर 150 से 220 के बीच में जितनी बाकी हैं सब में यही ईसीयू लगता है। तो आज हम बात करते हैं किस पार्ट नंबर का होता है, कैसा दिखता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। ये देखिए, दो तरह का ईसीयू लगता है, JP 35-14-39। ठीक है दोस्तों, ये आपका 2020 से लेकर 2021 तक पूरा सभी बाइक में यह ईसीयू लगता था। उसके बाद 2022 से लेकर अब तक के सभी बाइक में यह ईसीयू लगता है, PD 35-14-25। ठीक है, तो इसको अनबॉक्सिंग करके चेक करेंगे। ये देखिए, आपका जो पार्ट नंबर है JP 35-14-39। ठीक है, इसको अनबॉक्सिंग करके हम चेक करेंगे। ये देखिए, इस पर भी पार्ट नंबर आपको लिखा मिलेगा, JP 35-14-39। ठीक है दोस्तों, एक ऊपर नंबर दिया है, इससे मतलब हमको नहीं है। नीचे वाला पार्ट नंबर मेन है आपका, JP 35-14-39। ये देखिए, चिप वाला होता है, बिल्कुल छोटा होता है। ये पल्सर 150, एवेंजर 160, NSRS, पल्सर 180, पल्सर 220 के सभी मॉडल में लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका ईसीयू हो गया। और दूसरा एक ईसीयू होता है, इसको भी अनबॉक्सिंग करके चेक करेंगे। इसका देखिए पार्ट नंबर ये है, PD 35-14-25। ठीक है, इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। ये देखिए आपका ये ईसीयू है। देखिए यहाँ पे बैराक लिखा मिलेगा, ठीक है, स्कैनर QR कोड है ये। इसमें देखिए पीछे पार्ट नंबर लिखा मिलेगा, PD 35-14-25। ठीक है, ऊपर देखिए बजाज लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चर डिफेक्ट देखिए यहाँ लिखा है 25/6/2023। ठीक है, तो सब कुछ इस पर लिखा मिलेगा आपका। इसका देखिए इस तरह का कपलर होता है, ये आपका ईसीयू होता है। ये जो 2022 से लेकर अब तक की गाड़ियों में लग के आता है ईसीयू। ठीक है दोस्तों, पार्ट नंबर ध्यान दीजिएगा, PD 35-14-25। ये इसका वैराग वेंडर है, ठीक है, वैराग का वेंडर है। और ये जो है छोटा वाला, ये बॉस कंपनी का वेंडर है। ठीक है, तो 2022 से लेकर अब तक की जितनी भी बाइक हैं, पल्सर 150, 160, एवेंजर है आपका 180, 220 है, इस तरह के मॉडल में यही ईसीयू लग के आएगा। ठीक दोस्तों, यह दोनों ईसीयू देखिए आपके सामने पड़ा हुआ है। जिस बाइक में सेम रहेगा, सेम वही ईसीयू लगेगा, क्योंकि इसका कपलर देखिए बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, तो इस वजह से जिसमें जो लगा रहेगा सेम वही लगेगा, दूसरा नहीं लग पाएगा। और इसको अपडेट भी करने के लिए, अगर अपडेट करते हैं तो जिस कंपनी का टूल रहेगा उसी कंपनी के टूल से ये अपडेट होगा। ठीक है, अगर बैराग कंपनी का ईसीयू अपडेट करना है तो बैराग कंपनी का टूल होना चाहिए, और बॉस कंपनी का टूल ईसीयू आपका है तो बॉस कंपनी के टूल से ही अपडेट करें, अन्यथा ईसीयू डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर ईसीयू अगर आपका डैमेज हो जाता है, काम नहीं करता है, तो गाड़ी आपकी बिल्कुल चलेगी नहीं, बंद हो जाएगी। इस वजह से इस बात का आप ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर से अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।